यहाँ पे मैं ये हाथ पे लगा रही हूँ, सिर्फ ये पाउडर लगा रही हूँ और आप देख सकते हो कलर, ये इंस्टेंट कलर भी हो जाएगा। अगर ये वेडिंग में जाना है और आपने कुछ कलर वगैरह नहीं किया है तो बस ये पाउडर को आप अपने हेयर में लगा लीजिए और देख लीजिए, यहाँ पे कलर दिख रहा है ना, लाइव कलर दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर तो कुछ लगाया नहीं है, कुछ मिलाया नहीं है, सिर्फ ये पाउडर है और मेरा हाथ पूरा देख सकते हो, यहाँ पे भी पूरा काला काला कलर आ चुका है। यहाँ पे पानी भी लगा के दिखाती हूँ आपको, देख लीजिए पानी भी लगाया लेकिन फिर भी ये कलर नहीं जा रहा है मेरे हाथ से, देख सकते हो। यहाँ पे आपके सामने मैं पानी लगा रही हूँ फिर भी ये नहीं जा रहा है मेरे हाथ से, देखो पूरा हाथ मेरा काला काला हो चुका है। तो आपको ये लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ कि देख सकते हो आप। तो आपने पहले देख लिया कि आज हम कौन सी रेमेडी बनाने वाले हैं। यहाँ पे ना मेहंदी यूज करने वाले हैं, ना इगो पाउडर यूज करने वाले हैं, लेकिन ये फिर भी नेचुरल डाई है और फिर भी ये एक नेचुरल हेयर कलर है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेज जरूर करिएगा। मेरी ब्यूटीफिक की जो मेहंदी है ना गाइज, अमेजिंग है, क्योंकि वो आपके हेयर को कलर तो देता है लेकिन आपके हेयर की केयर भी करता है। तो इसके अंदर ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं और स्क्रीन पे भी देख सकते हो लोगों की जो रिव्यू आए हुए हैं वो। तो आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का रेमेडी शुरू करते हैं। तो आज हम ये जो नेचुरल डाई बनाने वाले हैं, वैसे इसको डाई तो नहीं बोल सकते लेकिन ये हमारे हेयर को कलर करता है, और अगर इसको हम रेगुलर यूज करते हैं ना गाइस, के परमानेंट आपके व्हाइट हेयर को ब्लैक हेयर में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले ये लेंगे यहाँ पे हम सरसों। तो सरसों आपको पता होगा कि हेयर के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। सरसों के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहता है जो आपके हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। तो यहाँ पे आप सोचिए कि हम ऐसा हेयर कलर लगाने वाले हैं जिससे हमें हेयर ग्रोथ भी होगा और हमारे हेयर फॉल स्टॉप भी होगा, और ये आपके आंखों को, आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करेगा, ये आपके हेयर को भी डैमेज नहीं करेगा। तो अराउंड यहाँ पे हमें 5 स्पून लेना है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर देखना चाहते हो कि इसका कलर कैसा आता है तो आप थोड़ा सा बना के छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे चाहते हो कि एक बार हम ज्यादा बना ले तो आप थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 स्पून सरसों, और एक इंग्रीडियंट्स एड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स, तो फ्लैक्स सीड्स यहाँ पे हम 1 स्पून अराउंड लेंगे। और ये दोनों जो इंग्रीडियंट्स है ना, इसके अंदर नेचुरल ऑयल रहता है। तो अभी चलो हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे आगे वीडियो शुरू करते हैं। इस गर्म करेंगे और उसके बाद हमने ये जो इंग्रेडिएंट्स निकाले हुए थे इसको यहाँ पे हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है गैस, यहाँ पे बहुत ही स्लो और मीडियम गैस पे हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पे इसका नेचुरली कलर होता है, उतना ही कलर होता है। तो ये धीरे धीरे हम रोस्ट करते जाएंगे ना, ये आपको दिखेगा कि इसके इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको धीरे धीरे स्लो गैस पे इसको हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें से राई चटकने लगी है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्लो गैस रखे थे कि फिर हमें थोड़ा सा वो हमारा हाथ वाथ जल ना जाए क्योंकि ये हमारे ऊपर उड़े। तो यहाँ पे इसलिए हमें एकदम स्लो उसमें करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने गैस बंद किया है क्योंकि ये एकदम से चटकने लगी थी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम इसमें बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑयल निकला हुआ है। तो यहाँ पे अभी और थोड़ी देर रोस्ट करेंगे इसको, आप थोड़ी देर और रोस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको हमें पूरा ब्लैक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस तरह से धीरे 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 इसको हमें चलाना है, और धीरे धीरे हम इसके जैसे ये रोस्ट होता जाएगा ना, इसमें से ऑयल निकलता जाएगा। आप देख सकते हो इसमें कितना ऑयल निकला हुआ है। यहाँ पे रोस्ट करने से क्या होगा कि इसका ऑयल, जो नेचुरल ऑयल है वो बाहर निकलेगा, इसकी अरोमा बाहर आएगी, और साथ में जो हमें इसके बेनिफिट चाहिए हेयर कलर के लिए तो वो बेनिफिट भी हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे बस इसको थोड़ा थोड़ा इसमें चलाते रहना है। और गाइस आप मानोगे नहीं, ये ऐसा हेयर कलर बनने वाला है आपके हेयर में कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतना अच्छा इफेक्ट देगा। होम रेमेडीज से आप जो हेयर कलर लगाते हो ना मार्केट वाला, बस उसका जैसा ही रिजल्ट मिलेगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, इजीली निकलेगा भी नहीं। इसके मल्टीपल आपको यूसेज बताऊंगी कि क्या क्या है, इसको कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये पूरा भून चुका है। तो अभी यहाँ पे इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद इसको मिक्सी में क्रश करके हम पाउडर बना लेंगे। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमने मिक्सी में इसको पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे अभी इस पाउडर को हम वापस कढ़ाई में डाल के भूनेंगे क्योंकि हमें इसका डार्क कलर चाहिए, और तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कलर करेंगे और उसके बाद फिर आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा काला हो चुका है। अभी यहाँ पे इसको ठंडा होने देंगे, फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमें इसको हेयर में कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कटोरी में निकाल लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जिससे बना रहे थे वो पूरा स्पून भी पूरा ब्लैक हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि इसका कलर कैसा आएगा हमारे हेयर पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ये हेयर में लगाने के लिए हम बनाएंगे कलर। तो यहाँ पे 1 स्पून अराउंड मैंने ये कलर लिया हुआ है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं, 1/4 स्पून जितना। और इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है मेरा ब्यूटीफिक का एलोवेरा जेल। तो हमने जितना ऑयल डाला है बस उतना ही हमें यहाँ पे ये एलोवेरा जेल डालना है। अभी यहाँ पे दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आपको गाइस कहीं पर भी जाना हो, टाइम नहीं है हेयर कलर का, तो ये इंस्टेंट कलर है और आपके बालों में इतना अच्छा कलर छोड़ता है। जो हम मार्केट वाले कलर लेके आते हैं ना, उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वैसा ही यहाँ पे इससे रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। और यहाँ पे अभी इसको मैं हेयर में अप्लाई करती हूँ। हेयर में यहाँ पे आप देख सकते हो ना, वाइट हेयर है, आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट हेयर है। तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ, तो इतने वाइट हेयर नहीं है मेरे, तो मैं लगा देती हूँ अंदर अंदर सब जगह। इसको हाथ से मैं लगा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि एक्चुअल में कलर कैसा आता है। इसको लगा के छोड़ सकते हैं, वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए आराम से छोड़ सकते हैं और ऐसे कुछ फील नहीं होगा आपको, इचिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो सरसों तो वैसे भी नेचुरल ही आपको पता ही है। तो यहाँ पे रूट्स में लगा रही हूँ मैं, कहीं कहीं वाइट हेयर हो तो वो भी हो जाए ब्लैक। अच्छा सॉल्यूशन है गाइस, सच में मैं पर्सनली अब यही यूज़ करने वाली हूँ। हम वो ब्लैक मेहंदी या हेयर कलर वो सब यूज़ करते हैं ना, उससे अच्छा बेस्ट है ये ऑप्शन। आपको इसको निकालो ना जब पानी से, तब आपको सिर्फ वाटर से ही निकालना है, आपको वॉश नहीं करना है, मतलब शैम्पू नहीं करना है। फिर उसके बाद ऑयल लगा के जैसे हम मेहंदी में करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। आप इसको चाहो तो मेहंदी में भी ऐड कर सकते हो, आप अपने मेहंदी जो भी रेगुलर मेहंदी है मेहंदी भी गोने डालो तब आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा लिया है, अभी इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। मतलब अगर आपको ज़्यादा अच्छा कलर चाहिए तो आराम से आप 2 घंटा तो इसको छोड़ ही दीजिए, फिर आराम से आप वॉश कर लीजिए, सिर्फ पानी से वॉश करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, आप देख सकते हो मेरे हाथ कितने ब्लैक हो चुके हैं, तो आप उसमें भी रात को भी आप लगा सकते हो, वैसे कुछ नहीं है। अगर आप रात को लगा के कंफर्टेबल हो, सो सकते हैं आप तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ रात को कुछ भी अपने सिर पे लगा के सोने में। बस एक हेयर टॉनिक लगाती हूँ डेली रात को सोने के टाइम, बस यहाँ पे थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा चलो वो भी लगा लेते हैं। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये ब्लैक हो चुका है, पास से मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ। जो पाउडर बनाया था ना, इसको आप अपने ऑयल में भी डाल सकते हैं, ये आपके ऑयल को भी ब्लैक कर देगा और साथ में ये आपके हेयर को ब्लैक करने में भी ये हेल्प करेगा। जैसे छोटी एज में सबके जो वाइट हेयर हो जाते हैं ना, उसमें भी ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे ऑयल में डाल देंगे, तो क्या होगा कि ऑयल में अपनी सारी जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी ऑयल में आ जाएगी। और आप देख सकते हो ये पूरा ऑयल ब्लैक हो चुका है, तो ये सेफ़ है अपने हेयर के लिए। तो आप अपने हेयर में इससे ज़्यादा कोई अच्छी रेमेडीज़ नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऑयल काला हो चुका है, तो इसको आप लगा सकते हो आराम से। अगर आपको डाई ये वो कुछ नहीं करना है या फिर अप्लाई करके भी नहीं रखना है, तो बस रेगुलर आप ये ऑयल लगाइए, आपके नेचुरली आपके जो वाइट हेयर है ना वो नेचुरली आपके ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो गाइज, मैंने हेयर वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो मेरे हेयर एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लगाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेयर ब्लैक तो हुए हैं, रिजल्ट तो अच्छा आया है। आपको बस इसको अराउंड आपको 2 घंटे तक आपको इसको रखना है अपने हेयर में और उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
और यहाँ पे आप ऑयल के साथ, मैंने जैसे आपको दिखाया है कि ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हो, जिससे आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप रेगुलर ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हो ना, तो आपके हेयर में, आपके जो व्हाइट हेयर है ना, जो छोटी एज में आजकल सब लोगों को व्हाइट हेयर आ जाते हैं, तो उसमें ये बहुत बेनिफिट करता है। तो और साथ में ये आपके हेयर को मजबूत करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने सरसों लिया हुआ है और इसके अंदर फ्लैक्सीज लिया है, तो उसका जो नेचुरल ऑयल है ना, वो हमने इसके अंदर ऐड किया है, तो आपको उसका और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप रिजल्ट इसमें देख सकते हो। सो गाइस, आपने देखा ना कैसा रेमेडी है ये, मल्टीपल है। आप इसको ऑयल के साथ यूज कर सकते हैं, इसको मेहंदी के साथ यूज कर सकते हैं, और आप इसका डाई भी बना के यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप ये रेमेडी जरूर ट्राई करिएगा और आपके फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।